तो नमस्कार दोस्तों, जो ये देख रहे हैं ये है एक्यूमुलेटर, जिसको लिक्विड रिसीवर बोलते हैं। ये एक्यूमुलेटर है, ये पूरा अंदर कैसे बनता है आज आपको पूरा कंप्लीट वीडियो दिखाता हूँ। ऐसा आपको अभी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तक आपने जो भी देखा है वो पैक देखा होगा। तो इसको हम देखना चालू करते हैं। देखिए, ये जो पाइप है, ये देखिए इस तरह से एक डब्बे में, स्टील के डब्बे में ये पैक हो जाता है, मतलब वेल्डिंग हो जाती है, तो हमें बाहर से दिखता है। तो इसका जो मेन काम है और कैसे इसकी डिज़ाइन है, तो आपको बताते हैं। जो ये यू टाइप का जो पाइप देख रहे हैं, ये जो हमारा पाइप लगता है यू टाइप वाला ना, तो जो इसका यू वाला पाइप है ना, वो लगता है हमारा उस तरफ से, जिस तरफ से हमारा कूलिंग कॉइल लगता है उधर यू जुड़ता है, और जिधर ये सीधा पाइप लगा है ना, ये जो हमारा पाइप है, ये हमारा पाइप जुड़ता है कंप्रेसर की तरफ से। तो ये ऐसा क्यों जुड़ता है, तो देखो जो हमारा कंप्रेसर है वो लिक्विड के लिए नहीं बना है। तो जैसा कि इसका नाम है लिक्विड रिसीवर और एक्यूमुलेटर, तो जो लिक्विड होता है वो यू वाले पाइप से, जो घुमा हुआ पाइप है, इस पाइप से कूलिंग कॉइल से इसमें आ जाता है। ठीक है, देखो इसमें एक हल्का सा नीचे छेद है, देखो यहाँ पे छेद है ना, नीचे ये छेद है, इससे जो भी लिक्विड रहता है ये नीचे निकल जाता है, और जो भी थोड़ा सा वेपर रहता है ऊपर तरफ निकल जाता है। जितने भी लिक्विड गैस इसमें इकट्ठा हो जाती है, ठीक है, इस तरह देखो टंकी है, वेल्ड हो जाती है। तो वेल्ड होने के बाद आपको ऐसा दिखने लगती है कि ऐसा ये टंकी है। तो इस तरह से ये सेम हो जाता है, तो इसलिए इसकी बनावट ऐसा यू और सीधा रहा है, कि जो यू वाला है वो कूलिंग कॉइल से जितना भी लिक्विड गैस आएगी या ऑयल आएगा वो इस एक्यूमुलेटर में चला जाएगा, और जो वेपर टाइप में ऊपर जो रहेगा, वाष्प के रूप में मतलब रहेगा जो, उसी को कंप्रेसर खींचेगा। तो एक्यूमुलेटर जो है इस डिज़ाइन में बना रहता है, जैसा कि आप पूरे वीडियो में देख रहे हैं ऐसा। देखिए, इसलिए जो अंदर की बनावट है ऐसी बनावट है, आपको ऐसे वीडियो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपको दिखा रहे हैं। तो ये जो सीधा वाला पाइप है ये कंप्रेसर की तरफ रहता है, और जो ये वाला पाइप है ये घुमा हुआ, ये कूलिंग कॉइल की तरफ रहता है। अब इसको चेक करने का कैसे चेक करते हैं, कि हल्का सा सरिया डाल के, जब एक्यूमुलेटर ऐसे वेल्ड हो गया है तो ऊपर से एक सरिया डालेगा, जो पाइप सीधा आराम से चले जाए, तो समझो कि वो वाला पाइप हमें कंप्रेसर साइड जोड़ना है, और जिस पाइप में सरिया घूमने लगे वो वाला पाइप हमें कूलिंग कॉइल के साइड जो जोड़ना है। ठीक है, तो इस तरह से इसको जोड़ा जाता है, क्योंकि यहाँ से इस तरह से ये वेल्ड हो जाने के बाद अंदर कोई दिखाई नहीं देता है। तो इस तरह से लीकेज कहाँ होता है, देखो जोड़ है ना, जहाँ पे नीचे वेल्डिंग किया हुआ वहाँ पर लीकेज होने